शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने जा रही है। इस दौरान आपको क्या काम करने से बचना चाहिए, आइए जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। दरअसल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस साल 3 अक्टूबर से हो रही है। नवरात्रि के 52 दिनों में भक्त माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कई भक्त इस दौरान 9 दिनों का व्रत रखते हैं, वहीं कुछ भक्तों के द्वारा पहले और आखिरी दिन का व्रत रखा जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करने वालों को कुछ बातों का ख्याल भी रखना होता है। इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने पर माता दुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने वाले हैं तो गलती से भी आपको घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जिस घर में अखंड ज्योति जली हो वहाँ पर हर समय कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। 9 दिन का व्रत रखने वाले भक्त को प्रतिदिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान अगर आप स्वच्छ नहीं रहेंगे तो माता आपसे नाराज हो सकती हैं। नवरात्रि के व्रत का व्रत रखने वालों को नींबू खाने से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचें। अगर आप मांस मदिरा के सेवन करते हैं तो माता आपसे रुष्ट हो जाएंगी। कई लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं और दिन में सो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान आपको गलती से भी दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दिन के समय आप माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में वासना जनित विचारों को ना आने दें, मन के विचलित होने से रोकें और इसके लिए आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें। इस दौरान शारीरिक संबंध बनाने से भी आपको बचना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को चमड़े से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेल्ट, जूते, चप्पल आदि चमड़े के हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें, इसे अवधि में ना करें। और नवरात्रि में भोजन को लेकर भी नियम बताए गए हैं। इस दौरान आपको लहसुन प्याज जैसे तामसिक भोज्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। 9 दिनों तक नाखून, दाढ़ी, बाल और नाखून काटने की भी मनाही होती है। व्रत रखने वाले फलाहार कर सकते हैं, लेकिन फलाहार आप को प्रतिदिन एक ही स्थान पर करना चाहिए। इस अवधि में माता की पूजा के दौरान गलती से भी बीच में न उठें। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो माता नाराज हो सकती हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आप ऊपर बताई गई बातों का ख्याल रखते हैं तो माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। जितने श्रद्धा भाव से आप नवरात्रि के 9 दिन में पूजा अर्चना करेंगे उतने ही शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। फिलहाल आप नवरात्रि कैसे मना रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट स्पिरिचुअल।